खरगोन जिले की पुलिस ने शादी के नाम पर परिवार से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि घटना तकरीबन 1 माह पूर्व की है। झाबुआ के अजय ने अपनी प्रेमिका को बहन बताकर देवास के एक परिवार को लूटने की योजना बनाई और गहने बनवाने के नाम पर पैसे बुलवा कर परिवार को बरूड़ थाना क्षेत्र के गाँव बुलवाया और साथियों के साथ मिलकर हमला करके उन्हें लूट लिया। लिहाजा घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने मामले की पड़ताल करके लुटेरी दुल्हन सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 92,000 रुपये नगद सहित सोने के झुमके बरामद किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें फरार आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। को बरूड़ थाने में एक डकैती का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जो फरियादी हमारे हाटकेपलिया थाना देवास के रहने वाले थे वो आए थे। उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने अपने लड़के के लिए एक शादी के लिए एक महिला जो है उनको फाइनल किया था। तो जब उसके संबंध में उनकी बात हुई थी उस पक्ष से, तो उनको यहाँ पर बुलाया गया था और जो बरूड़ थाना क्षेत्र है वहाँ पर जब उनको बुलाया गया कि गहने बनवाने के नाम से उनसे पैसे मंगाया गया, और जब वो यहाँ पे पैसे लेकर पहुँचे तो वहाँ पर जो व्यक्ति था उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पहले से सुनियोजित ढंग से उन पर हमला किया और उसके बाद उनके पास जो टोटल राशि थी वो और जो उनके साथ में महिलाएं थी उनके आभूषण वगैरह वो उनसे लूटकर वो लोग सभी भाग गए। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, मौके पर पता किया गया और अन्य जितनी भी पुलिस के पास जानकारी थी संबंधित लोकल लोगों से और अन्य तरीकों से पुलिस ने इसमें पता लगाया, तो पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अजय भील, ये मोहन फाटा जिला झाबुआ का रहने वाला था। इसने अपनी इसकी प्रेमिका थी सपना उसको अपनी बहन बताकर इसका तय किया था संबंध इसके लड़के के साथ, और फिर इसके जो साथी थे उसमें युवान सिंह, रुदन, नूरू, ननका, मस्तराम, दरवेश, ये सब जो हैं ये इसके सभी साथी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसमें पूरी रिकवरी जो है करीब 1,10,000 रुपये की वो इसमें की है, और साथ में इसमें जो इसके टॉप्स वगैरह गए थे महिलाओं के वो भी रिकवर किए हैं, और 10 आरोपियों में से 8 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, जिनको भी बहुत शीघ्र इसमें गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से पकड़े ये अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। इनमें जैसे जैसे जिन जिन की जानकारी मिलती गई उनकी लोकेशन पता करके पहले डेवलप किया गया कि कौन कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, फिर जैसे जैसे जिनका आइडेंटिफाई होता गया तो उनके बारे में पता लगाते गए, उनके लोकल लोगों से, उनके जान पहचान के लोगों से, विभिन्न तरीकों से, और जहाँ उनकी लोकेशन मिली वहाँ से उनको उठा लिया। पूर्व में भी कोई वारदात इन्होंने की है? ये अभी हम लोग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। कुछ लोगों का इसमें संभावना है कि ये पूर्व में वो किसी मामलों में ऐसे रहे हैं, और लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड पता कराया जा रहा है। राशि कितनी जब्ती? जब्ती इसमें जो पैसा गया था करीब 1,10,000 रुपये, उसमें से 92,000 की जब्ती हुई है, और जेवरात में जो टॉप्स गए थे वो है, और मोटरसाइकिल करीब 3 जो इन्होंने घटना में प्रयोग की थी उनकी भी जब्ती हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।